गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सेफ शॉप की ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि हमने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को समय समय पर कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप हम सभी से जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप आगे अपनी टीम और कस्टमर्स को भी दें। आज के हमारे सेशन में मेरी कॉलीग मिस रंजना, जो कि पिछले 6 सालों से सेफ शॉप के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हैं, हमें एप्पल एंड आर्गन ऑयल शैम्पू, जो कि हौमा द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है सेफ शॉप के लिए, उसके बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की प्रेजेंटेशन के साथ। नमस्कार, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे बालों के लिए है, क्योंकि बाल सिर्फ हमारी सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि वो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ ही वो हमारी पर्सनैलिटी को भी निखारते हैं। तो आज मैं आपको हौमा के शैम्पू के बारे में बताने जा रही हूँ। ये दो अलग अलग शैम्पू का कॉम्बो पैक है, जिसमें आपको एक एप्पल शैम्पू और एक आर्गन ऑयल शैम्पू दिया जाएगा और इसके साथ ही एक हेयर ऑयल का कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल भी दिया जाएगा। ये दोनों ही शैम्पू लाइफ एसेंशियल पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ये कंपनी गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, जो कि करीब 9 सालों से हेयर और स्किन से रिलेटेड हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही है। ये दोनों प्रोडक्ट्स भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं और ये हर तरह के बालों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये बालों को यूवी प्रोटेक्शन भी देते हैं और जब आप इन्हें इस शैम्पू को बालों में यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये आसानी से धुल जाते हैं, यानी कि शैम्पू करने के बाद जब आप पानी से वॉश करते हैं तो ये बालों में चिपका ही नहीं रहता। नॉर्मली हम शैम्पू का इस्तेमाल बालों को क्लीन करने के लिए करते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ पानी से ही साफ नहीं किया जाता। हमारे बालों में कई सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं और इसके अलावा जब हम बाहर निकलते हैं तो कई प्रदूषण के कण भी होते हैं जो हमारे बालों में इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं और बालों में कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। जैसे कि आप में से भी कई लोगों को बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, या किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले होंगे, या फिर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होंगे, इसके अलावा किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई या रफ हो चुके होंगे। तो इन्हीं अलग अलग समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही ये दो अलग अलग शैम्पू तैयार किए गए हैं, एप्पल शैम्पू और आर्गन ऑयल शैम्पू, ताकि आप अपनी समस्या के हिसाब से सही शैम्पू का इस्तेमाल करके अपने बालों को स्वस्थ रख पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर घरों में लोग एक ही शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और एक ही शैम्पू से अपना काम चला लेते हैं, जबकि बालों की समस्याएं तो सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसे में हमें अपनी समस्या के हिसाब से सही शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे एप्पल शैम्पू के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये शैम्पू किसके लिए तैयार किया गया है। ये शैम्पू खास करके उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं या जिनके बालों में डैंड्रफ है या फिर वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। इसमें एप्पल के अलावा कॉर्न जैम ऑयल, सोजा एक्सट्रैक्ट और भृंगराज एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको एप्पल के बारे में बताने जा रही हूँ। एप्पल ओवरऑल हेल्थ के लिए तो फायदा करता ही है, बट इसके साथ साथ ही ये हमारे बालों के लिए भी फायदा करता है। ये हमारे बालों को पोषण देता है और उन्हें हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। ये बालों में जो डैंड्रफ होता है उसे दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा कॉर्न जैम ऑयल और सोजा एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि बालों की चिपचिपाहट को दूर करता है और उन्हें ड्राई और डल होने से भी बचाता है। और इसका जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज एक्सट्रैक्ट। ये हमारे जो सिर की त्वचा होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें कई सारे एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बालों का झड़ना रोकते हैं और बालों को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये एप्पल शैम्पू तैयार किया गया है, ताकि आपको ये सभी बेनिफिट्स
मिल सके। अब मैं आपको हमारी दूसरे शैम्पू आर्गन ऑयल शैम्पू के बारे में बताने जा रही हूँ। ये शैम्पू खास करके उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अपने बालों में किसी तरह का कोई केमिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है, जैसे कि केराटिन, रिबॉन्डिंग या फिर इसके अलावा कलरिंग, डाई। ऐसे ही जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया है या केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने के कारण उनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, डल और काफी डैमेज हो चुके हैं, तो ये शैम्पू वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आर्गन ऑयल के अलावा सनफ्लावर ऑयल और बादाम तेल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं आपको आर्गन ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये ऑयल दुनिया के महंगे तेलों में से एक है। इसे आर्गन के पेड़ से निकाला जाता है और इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑयल में विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और ये हमारे बालों को सूरज की नेगेटिव किरणों से बचाता है, क्योंकि सूरज की सभी किरणें हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए फायदेमंद नहीं होती। उसकी कई किरणें हमारे बालों में नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है, तो ये उन नेगेटिव यूवी किरणों से बचाता है। इसके अलावा इसमें सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं और इसका इस्तेमाल त्वचा के लिए भी किया जाता है, बट इसमें भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए फायदा पहुंचाते हैं। ये उन्हें ड्राई और डल होने से बचाते हैं, तो ये हमारे बालों को भी फायदा करता है। इसके अलावा इसमें बादाम तेल का भी इस्तेमाल किया गया है। बादाम तेल में विटामिन ई बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई सिर्फ हमारे त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि वो हमारे बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और बालों की क्वालिटी को सुधारता है। तो ये शैम्पू इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के तैयार किया गया है ताकि ये सभी बेनिफिट्स आपको इससे मिल सके। एक साधारण शैम्पू सिर्फ बालों को क्लीन करता है बल्कि और एक साधारण शैम्पू जो होता है वो सिर्फ बालों को क्लीन करता है, जबकि ये दोनों शैम्पू न सिर्फ बालों को क्लीन करते हैं बल्कि उसमें डैंड्रफ को रोकने में भी मदद करते हैं और उन्हें डैमेज होने से भी बचाते हैं। इसके अलावा बालों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें हेल्दी भी बनाते हैं और ये हमारे बालों में ये और इसके अलावा जो दो मुहे बाल होते हैं उन्हें रोकने में भी मदद करता है। ये हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह का अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह का कोई एलर्जी है तो आप इन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये दोनों शैम्पू सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए हैं। अब मैं आपको शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रही हूँ, क्योंकि शैम्पू को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। सबसे पहले आप अपने बालों को पानी से गीला करें और फिर उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू अपने हाथों पे लेके उसे अपने बालों पे और स्कैल्प में अच्छे से लगाएं और फिंगर से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, और उसके बाद जब काफी सारा झाग आ जाए तो आप इसे साधारण पानी से धो सकते हैं। इससे आपके बाल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। अब मैं आपको बालों की देखभाल के लिए कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। अपने बालों में शैम्पू करने से पहले हेयर ऑयल से मसाज जरूर करें, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस शैम्पू के साथ आपको एक हेयर ऑयल का कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल दिया जा रहा है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि हेयर ऑयल से मसाज करने से हमारा जो स्कैल्प होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, और जिस तरह से पौधों को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है उसी तरह से हमारे बालों को भी ग्रो करने के लिए और उनके पोषण के लिए हेयर ऑयल से मसाज करना जरूरी होता है। और अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे धोएं। अगर आपके बाल ज्यादा ऑयली हैं तो आप फ्रीक्वेंटली शैम्पू का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जब हमारे बाल ऑयली होते हैं तो वो जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे जो नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर आता है। ये ऑयल हमारे स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाता है, बट अगर ये ऑयल ज्यादा होता है
तो हमारे बाल जल्दी गंदे होते हैं, और फिर जल्दी गंदे होते हैं तो इसकी इसकी वजह से वो डैमेज होने लगते हैं। तो ऐसे में हमें रेगुलर बेसिस पे उन्हें वॉश करते रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके बाल कर्ली हैं या फिर थिक हैं तो आप उनमें कम शैम्पू भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कर्ली हेयर होते हैं या थिक हेयर होते हैं तो उसमें ऑयल जो होता है वो स्कैल्प से ज़्यादा बाहर नहीं आ पाता, ऐसे में बाल जल्दी गंदे नहीं होते। और इसके अलावा हेयर वॉश करना आपके डेली लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। अगर आप घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं या ज़्यादा धूप और पॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं तो भी आप फ्रीक्वेंटली शैम्पू कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बालों में केमिकल का इस्तेमाल कम करें या फिर कलर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, क्योंकि केमिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान ही पहुंचाता है। और अपना जो हेयर स्टाइल है वो भी ऐसा रखें जिससे कि आपके बाल ज़्यादा खींचे नहीं, क्योंकि अगर आपके बाल ज़्यादा खींचते हैं तो वो उनकी जड़ें कमज़ोर होने लगती है और बाल फिर कमज़ोर हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं, ऐसे में बालों में झड़ने की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदा करता है और इसके साथ साथ वो हमारे बालों को भी फायदा पहुंचाता है। और हमेशा स्ट्रेस से दूर रहें, हमेशा स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि जो टेंशन होता है उससे ज़्यादा टेंशन लेने से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं और बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होने लगती है। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने बालों को हेल्दी रख पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच रंजना हमें डिटेल प्रेजेंटेशन देने के लिए। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। और अब मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी training@safeshopindia.com पे शेयर कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच।